नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे कारण जो बनाते हैं बुलेट 350 स्टैंडर्ड को सबकी पसंद, और आपको ये बाइक क्यों खरीदना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और आपको पांच ऐसे कारण बताऊंगा जिसके लिए आपके लिए ये बाइक जो है ये परफेक्ट बन जाती है। मेरा नाम है संदीप कैंथ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है इस बाइक को बाय करने का, वो है इस बाइक की लुक्स। आप लुक्स देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी बाइक है जो दोस्तों सिंपल प्योर एक रेट्रो लुक के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसमें जो है ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर आपको रेट्रो बाइक्स पसंद हैं तो आपके लिए ये बाइक एक परफेक्ट चॉइस है। आप देख सकते हो यार, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। अभी भी इस टाइम में इसमें आपको सेल्फ नहीं मिल रही, अभी भी आपको इसके अंदर किक मिल रही है दोस्तों। सेकंड कारण है दोस्तों इस बाइक के इतने पॉपुलर होने का, लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको क्यों खरीदनी चाहिए, वो है दोस्तों इस बाइक की फुल्ली मेटल बॉडी। दोस्तों ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको सिर्फ एक पार्ट छोड़ के सारी बाइक आपको मेटल की मिल रही है, कोई भी पार्ट आपको प्लास्टिक का नहीं मिलेगा। सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पे जो इसका चेन कवर है ये आपको प्लास्टिक का मिल रहा है। वो भी एक कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह बहुत ज़्यादा गिरता है और आवाज़ भी करता है, इसलिए कंपनी ने इसको प्लास्टिक का किया है। अदरवाइज फुल्ली बाइक आपको मेटल की मिल रही है। इस बाइक का वेट जो है वो 187 kg है दोस्तों। देखिए आप यार, हर चीज़ आपको मेटल की मिल रही है यहाँ पे, क्या आप देख सकते हो। तो दोस्तों तीसरा कारण है इसको बाय करने का, वो है इस बाइक का इंजन और एग्जॉस्ट। दोस्तों इंजन की बात करूँ तो आपको ये बाइक अभी भी UCE इंजन के अंदर देखने को मिलती है। इसका थंप बहुत ही कमाल का है, लॉन्ग स्टॉक इंजन है दोस्तों। ये बाइक आपको अभी भी किक के अंदर मिल रही है, इसमें सेल्फ नहीं है। 19.8 की BHP है, 28 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है दोस्तों। खींचने की शक्ति इसकी कमाल की है बाइक की। एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त है। बाइक को स्टार्ट करना बहुत ईजी है, ये आप देख सकते हो, ये इसका एग्जॉस्ट नोट जो आता है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चौथा कारण है दोस्तों इस बाइक के फीचर्स और दोस्तों कंफर्ट। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको इसमें अभी भी स्पोक व्हील देखने को मिलते हैं, इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, ट्यूब टाइप टायर मिल जाते हैं, इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है। और दोस्तों इसमें आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो मिलती है वो है इस बाइक में आइकॉनिक लाइन। दोस्तों ये दोस्तों हैंड पेंटेड लाइन्स होती हैं, इसको हाथों के साथ बनाया जाता है ये, और किसी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक में आपको ऐसा नहीं मिलता दोस्तों। ये बाइक आपको किक के अंदर मिलती है, एनालॉग टाइप मीटर मिल जाता है इसके अंदर। आप देख सकते हो फुली बाइक आपको मेटल की मिल रही है, रेयर ब्रेक आपको ड्रम में मिल रही है दोस्तों, और इसका एग्जॉस्ट देखिए फुली क्रोम के अंदर आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे पार्ट आपको क्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों पांचवा कारण है जो मेरा फेवरेट है, वो है इस बाइक की रीसेल वैल्यू और प्राइस। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं, फिर हम रीसेल वैल्यू की बात करेंगे। प्राइस इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है इस टाइम वो है 1,60,178 रुपये, और ऑन रोड पड़ता है 1,87,400 रुपये। दोस्तों अगर दोस्तों अब मैं रीसेल वैल्यू की बात करूं, अभी 2023 चल रहा है, आप मार्केट के अंदर 2016 मॉडल या 17 मॉडल जो 6 से 7 साल पुराना बाइक है, अगर आप वो मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 1,30,000 से 1,40,000 से कम में नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर हम 2016-17 की बात करें तो उस टाइम इस बाइक का ऑन रोड प्राइस था 1,25,000 से 1,30,000 रुपये दोस्तों। तो आप सोच सकते हो उस टाइम जिस बंदे ने उतने की बाइक ली थी, तो आज भी उतने ही प्राइस के अंदर उसकी बाइक जो है वो सेल आउट हो रही है दोस्तों। मान लीजिए 5-10 हज़ार रुपये कम भी होता है 7-8 साल चला के, तो और क्या चाहिए दोस्तों। जैसे कि इसकी प्राइजेज जो हैं वो हर साल बढ़ते रहते हैं, तो ये भी कारण है इसकी रीसेल वैल्यू के बढ़ने का। और सबसे बड़ा कारण है इसकी रीसेल वैल्यू का कि ये बाइक जो है ये कभी कंपनी ने आज तक बंद नहीं की,
हाँ इसमें चेंजेस किए हैं लेकिन आज तक बंद नहीं की। 1932 से लेके अभी तक ये बाइक कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है, आज तक इसकी प्रोडक्शन जो है वो बंद नहीं हुई। और दोस्तों ये फुली मेटल बॉडी है, ये भी कारण है इसकी रीसेल वैल्यू का। और पंजाब और हरियाणा में खासकर इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो आसमान छूती है दोस्तों। आपकी पहली पसंद है यहाँ पे बुलेट 350 स्टैंडर्ड। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि पांच कारण जो है वो कौन से हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसे कारण है जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।